हिजाब और बुर्के को लेकर इन दिनों भारत के कई हिस्सों में विवाद हो रहा है, जिसमें कई जगहों पर हिजाब का विरोध किया जा रहा है तो कई जगहों पर मुस्लिम महिलाएं इसे अपना हक बताकर प्रदर्शन कर रही हैं। दरअसल ये विवाद जनवरी में कर्नाटक के उडुपी के कॉलेज से शुरू हुआ। कॉलेज में हिजाब ना पहनकर आने के आदेश के बावजूद भी कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आईं और फिर इस मामले ने तूल पकड़ लिया। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया जिसमें हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची एक मुस्लिम छात्रा को भगवा गमछा पहने कुछ छात्रों की भीड़ ने प्रताड़ित किया और उसके सामने जोर जोर से जय श्री राम के नारे भी लगाए, जिसके बाद इस लड़की ने तंग आकर जय श्री राम के नारों का जवाब अल्लाहू अकबर के नारे से दिया। यहां भगवा गमछा पहने छात्रों की भीड़ के जरिए जिस तरह से हिजाब का विरोध किया गया उसकी बड़े स्तर पर लोगों ने आलोचना भी की, जिसके बाद से अब कई जगहों पर मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं, जिनमें कई महिलाओं ने हिजाब तो किसी ने बुरका तो कोई नकाब में प्रदर्शन करता देखा गया। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बुर्का, नकाब और हिजाब में क्या फर्क होता है। बुर्का, जिसमें सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर एक कपड़े से ढका होता है और आंखों के आगे भी एक कपड़े की जाली होती है, आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसे ही बुर्का कहते हैं। इसमें शरीर का कोई भी अंग या हिस्सा नहीं दिखता, आंखों के आगे भी एक जाली जैसी परत होती है जिससे कि महिलाएं आर पार देख सके। इसके साथ ही पूरे शरीर पर एक बिना फिटिंग वाला लबादा होता है, ये अक्सर एक ही रंग का होता है। मान्यता है कि ऐसे में गैर मर्द आकर्षित नहीं होते। नकाब, ये बुर्के की तरह ही होता है लेकिन बस इसमें आंखें कवर नहीं होती, यानी कि आंखों का स्पेस खुला होता है, बस इसमें इतना ही फर्क होता है। इस्लाम में कहीं भी चेहरा ढकने की बात नहीं की गई है बल्कि सिर्फ सिर और बाल को कपड़े से छिपाने का जिक्र है, लेकिन कट्टरपंथी देशों में औरतों को अपना चेहरा भी छिपाने का फरमान होता है। ऐसे में नकाब का काम होता है सिर चेहरे को ढकते हुए सिर्फ आंखें खुली रखना। नकाब का ये कपड़ा औरतों के गले और कंधों को ढकते हुए सीने तक आता है। हिजाब, एक ऐसा हेडस्कार्फ जो सिर और छाती को ढकता है, ये एक प्रकार का घूंघट होता है जिसे कुछ मुस्लिम महिलाएं अपने परिवार के बाहर अजनबियों या पुरुषों की उपस्थिति में पहनती हैं। इसमें एक शॉल से केवल सिर, गर्दन और सीने को ढका जाता है जो अक्सर बच्चियां या स्कूली छात्राएं पहनती हैं। इसी हिजाब को लेकर स्कूल और कॉलेजों में विरोध हो रहा है, जिसका असर अब देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं जगह जगह प्रदर्शन कर रही हैं और हिजाब, बुर्का और नकाब को अपना हक बता रही हैं।